रेलिंग कमजोर है, दुर्घटना हो सकता है, लेकिन लिखना होगा आपको हो सकती है। अच्छा, दुनिया का पहली गुफा। हाँ, यहाँ आते हैं बहुत अनसन पेंट लेने के लिए, अनसन लिखने के लिए। हाँ, इसलिए दरवाजे यहाँ देखने के लिए आता है, खुलता है। जय शिव शंकर शंभू भोलेनाथ कलाशपति, हर हर महादेव। और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है जहानाबाद जिला से, और जहानाबाद जिला के बराबर कैब से। बराबर कैब दुनिया का पहला मानव निर्मित कैब है, और इतना बढ़िया, इतना सुंदर बना हुआ है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप वीडियो में देखेंगे, लगेगा जैसे कि जो आज का टाइल्स जो है उसके सामने फेल है। और सोचिए, सदियों पुराना, हजारों साल पुराना जो है वो कैब है। और मानव, पहले लोग जो है गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन जो है मानव निर्मित पहली गुफा, मनुष्य के द्वारा बनाई गई पहली गुफा जो है वो है बराबर कैब। और इसके बराबर में जो आपने देखा होगा पीछे वीडियो में नागार्जुन कैब, वो भी जो है उसी समय का बना हुआ है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बराबर थाना, बहुत बड़ा थाना। गाड़ी कहाँ लगाया जाए जो सुरक्षित रहेगा। गाड़ी यहीं लगा दें। और आगे हैं बराबर केव के रास्ते पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, अंदर बाइक वगैरह लाना अलाउड नहीं है, आज बंद है, छुट्टी है, इसलिए दुकानें भी बंद हैं यहाँ की। खाने पीने का भी सामान मिलता है, स्टाफ। रेलिंग कमज़ोर है, दुर्घटना हो सकता है, लेकिन लिखना होगा आपको हो सकती है। गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पूरा खाली गंदगी ही दिख रहा है। और ये मंदिर है बराबर गुफा के नीचे ही। जय महादेव, हर हर महादेव। और अपनी सफ़र शुरू हो गई है बराबर केब के लिए। साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जय शिव शंकर शंभु भोलेनाथ कलाशपति, हर हर महादेव। इस ट्रिप में जो है खाली पहाड़ी चढ़ रहे हैं हम। पहाड़ चढ़ने का क्रम दूसरे दिन से चालू है, ऊंचा ऊंचा जगह पे चढ़ने का काम। और तीसरे दिन से तो पहाड़े चढ़ रहे हैं खाली। क्या नाम है? आलोक कुमार। कहाँ घर हुआ? घर मखदुमपुर हुआ। यहाँ घूमने आए थे? हाँ, घूमने आए। चल दिए? चल दिए, गुफा देखने आए थे। अभी तक भेंट हुआ था ना? अच्छा, दुनिया का पहली गुफा। हाँ, यहाँ आते हैं बहुत अनसन पेंट लेने के लिए, अनसन लिखने के लिए। हाँ, इसलिए दरवाजे यहाँ देखने के लिए आता है, खुलता है। दरोगा जी यहाँ देखने के लिए आता है तो खुलता है। अच्छा, ये सब के लिए नहीं है क्या? क्या आया खोल के अति कर दिया, आके हल्ला करे, बुदाल करे, ये सब के लिए नहीं है। ये मेडिटेशन करने के लिए अशोक सम्राट बनाया है। हाँ जी, यहाँ कर्ण की गुफा है, सुदामा गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा है। हाँ जी, अभी सब सफाई करके। तो मतलब टूरिस्ट के लिए गुफा नहीं खुलता है? खुलेगा ना, कहा खुलेगा। यहाँ ललन टॉप देखिए, जी टीवी देखिए, टू पर देखिए, यहाँ देखने के लिए मैंने गुफे भी करते हैं। और आज हम लोग हैं
बराबर गुफा। आइए अपनी विरासत को देखते हैं और इसके बारे में। ये भी ठीक, जैसे अभी आप नागार्जुनी गुफा देखे, पिछला एपिसोड को जाकर के चेक कीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, और ये पूरी सीरीज को जाकर के देखें आप। ये लगता है जैसे कि पॉलिश किया हुआ है। और ये कटाव देखिए कितना सुंदर कटाव है, ये उस जमाने का है, लगभग 2500 साल होने को आया। और यहाँ एक देखिए चबूतरा है, उसी चट्टान को काट करके बनाया गया है। और ये है कर्ण गुफा, घाट साहब का कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, डस्टबिन है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आप ये गुफा को देखिए, और यहाँ भी गुंज है, लेकिन ये नागार्जुनी गुफा से थोड़ी छोटी गुफा है। इसके बारे में हम लोग नीचे चल करके बराबर के बारे में बात करेंगे। अरे देखिए ऊपर चल रहे हैं हम लोग। ये सुदामा गुफा है। इसमें तो दो गुफा है ना, लोमस है सुदामा। सुदामा तो वो वाला ना, बड़ा वाला जो दुनिया का पहला। देखिए स्पेशली गुफा खोला जा रहा है। इसमें पहले मूर्ति था तो? सोच रहा था इसे रह गया है, क्रैक आ गया, तब छोड़ दिया इसको। देखिए भित्ति चित्र जो है माधव निर्मित पहली गुफा में, गुफाओं के अंदर बना हुआ चित्र, घोड़ा वगैरह से बना हुआ है। और कुछ मंत्र वगैरह भी लिखा हुआ था, लेकिन हाँ दिख रहा है। भिक्षुक लोग खुला रहने से क्या लिख देता है। यहाँ देखिए, ये देखिए लिखा हुआ क्लेश काल था, जो लिपि बरेली लैंग्वेज पाली की, पाली। इस दीवार में गेट लगाने में भी टेक्नोलॉजी है ना, आप खोल के निकाल पाइएगा खुला हुआ रहने से भी, नहीं तो लगा पाइएगा। हाँ, लोमस ऋषि गुफा। और देखिए चट्टानों को काट करके बनाई हुई नक्काशी, और ऊपर देखिए ये मुख्य गुफा है। इसमें रोशनी है थोड़ा थोड़ा ये, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन पाया। हाँ, इसलिए छोड़ दिया।
इसका ऊंचाई जो है वो सब गुफा से थोड़ा ज़्यादा है। और ये देखिए मेडिटेशन गुफा, इसको पूरा नहीं बनाया जा सका आपको। यहाँ का तो हम सारा गुफा दिखा दिए, नागार्जुना का पूरा गुफा नहीं दिखा पाए। देखिए क्या चीज़ था जिससे ये लोग तोड़ते थे। देखिए एक साथ ये, देखिए एक साथ ये इतना बड़ा कौन सा औजार था जो ये जेसीबी की तरह काटने का, छिपकली भी है, काली छिपकली है। अच्छा कौन सा औजार था इतना चौला इन लोगों के पास? हाँ देखिए, देखिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट का होटल नागार्जुना बिहार है, लेकिन ये 3 साल से ज़्यादा हो गया बंद है। टूरिस्ट को खाने पीने के लिए जो है अपने भरोसे ही यहाँ आना पड़ता है, या गांव वालों का है अच्छा व्यवस्था है, आप वहाँ पर खाना पीना कर सकते हैं। देखिए ये जगह पे आकर के लोग गंदगी तो फैलाते ही हैं, आग उग भी जला देते हैं जहाँ तहाँ, और नाम लिख करके जाते हैं। अरे तुम्हारा नाम कितना दिन तक, ये बनाने वालों का जो है कोई अस्तित्व नहीं रहा, तुम्हारे नाम लिख देने से तुम अमर हो जाएगा क्या? हैं आइए गौड़ की, यहाँ क्या है डॉक्टर रश्मि प्रसाद, ये सबके ऊपर तो केस होना चाहिए। प्रचार की जगह है। ये बराबर और नागार्जुना गुफा जो है ये अपने आप में अद्भुत है, कई मायनों में जो है यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आप इसको देखने के बाद ही पूरी तरह से जो है समझ पाएंगे कि क्या अद्भुत कलाकारी रही है इसको निर्मित करने में, इसको बनाने में क्या टेक्नोलॉजी और क्या सोच उस समय की रही होगी। बराबर की कटिंग और एकदम कोने पर जो है शार्प कटिंग, कहीं पर जो है आपको निशान एक भी नहीं दिखेगा, और साथ ही साथ जो है आपको वो पॉलिश किया हुआ लग रहा है, जैसे कि चट्टानों को पॉलिश किया गया है, और वो पॉलिश की चमक आज भी आपको लगेगी कि जो है टाइल्स हमारा उसके सामने में फेल। गुफा बराबर की गुफा कहते हैं कि 272 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश के समय में बनाया गया था, मतलब ईसा के जन्म से भी लगभग 400 साल पहले ये गुफाओं का निर्माण किया गया था। और ये अवस्थित है गुफा जहानाबाद और गया के जो है सीमा पर, और आप जब भी प्रोग्राम बनाइए गया का या राजगीर का तो बराबर आने का एक अपने लिस्ट में जो है ज़रूर प्रोग्राम रखिए। विश्वास मानिए यहाँ आकर के आप निराश नहीं होंगे, अगर अपनी विरासतों को देखने में आप जो है इंटरेस्टेड हैं, अगर विरासतों से आप मोहब्बत प्यार करते हैं। यहाँ आप सम्राट अशोक के शिलालेखों को भी जो है देख सकते हैं, कई शिलालेख हैं जो सम्राट अशोक के समय के हैं, उसके ऊपर जो है उकेरे गए हैं सिर्फ सम्राट अशोक के समय के कुछ सूक्तियाँ वगैरह, या पाली जो है लिपि में वो लिखी हुई है। हे देखिए ये लोग कहाँ कहाँ जंगल में घुस गया है ना, उत्तम समझ गया कुछ हुआ अंदर में, तब पैर में चप्पलों ने पहना है, वो कहाँ पहनने लड़का देखो तो नहीं, हम कह देंगे ओकरा बाबूजी है कि। एक देखिए छोटी सी गुफा यहाँ पे है, रास्ता थोड़ा गंदा है इसलिए छोड़ देते हैं उधर जाना,
बहुत ज़्यादा गंदा फैला करके रखा है सब। देखिए चट्टानों के अंदर कैसे जो है जड़ अपना पौधा सब घुसा दिया है, और ये चट्टान को पकड़ कर रखेगा, टूटने नहीं देगा। जब ये सूखेगा तब जो है चट्टान फटेगा और फट करके जो है गिर जाएगा। यहाँ देखिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ये शेड बना हुआ है, ये मेन जो है रास्ता बराबर केव का।